तो आज आईपीएल में होने वाला है रियल एल क्लासिको। नहीं नहीं, हम चेन्नई और मुंबई के मैच की बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस मैच की बात कर रहे हैं जो है आईपीएल के इतिहास की सबसे पुरानी राइवलरी, यानी कि गौतम गंभीर की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने होगी विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम को 7:30 बजे से ये मुकाबला खेला जाएगा। और ये दोनों टीमों की जो राइवलरी है, ये पिछले कुछ समय में थोड़ी सी ठंडी जरूर हो गई थी, बिकॉज गौतम गंभीर चले गए थे लखनऊ सुपर जायंट्स में, क्रिकेट को ऑलरेडी वो अलविदा कह चुके हैं, और डीके और मॉर्गन से थोड़ा बहुत माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो मजा आ नहीं रहा था। लेकिन नाउ गौतम गंभीर इज बैक विद कोलकाता नाइट राइडर्स, और पिछले साल जो उनके और विराट कोहली के बीच गहमा गहमी हुई थी उसको भला कौन भूल सकता है। आई एम श्योर उसकी याद सभी के दिलों में ताजा होगी, और जब ये दोनों ही टीमें मैदान पर उतरेंगी तो ऐसी ही सिमिलर चीज हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंगलोर का जो क्राउड है वो गौतम गंभीर का जेस्चर भूला नहीं है जो उन्होंने एलएसजी की टीम से किया था, और वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को होस्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और इस टीम ने, इस राइवलरी ने, इन दोनों ही टीमों ने हमें बड़े बड़े मौके यहां पर दिए हैं देखने को। बहुत ही एंटरटेनिंग ये राइवलरी रही है। ब्रेंडन मैकलम का 158 हो या फिर आरसीबी का 49 पे आउट हो जाना, सुनील नारायण और क्रिस लिन की उस पार्टनरशिप को भला कौन भूल सकता है, विराट कोहली का ईडन गार्डन्स के मैदान पर दमदार शतक लगाना, एंड आई एम श्योर और भी मैचेस होंगे जिनको मैं भूल रहा हूं। सो अब सवाल यह है कि दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच जीत करके आ रही हैं, आरसीबी 2 मैच खेल चुकी है और कोलकाता नाइट राइडर्स अपना पहला मैच जीत करके आ रही है, तो दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो सबसे पहले अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 से शुरू करें तो दोनों ही टीमें अपनी 11 में बहुत ज्यादा चेंज नहीं करने वाली है। देखो, फिल सॉल के साथ मेरे हिसाब से वेंकटेश अय्यर को पारी की शुरुआत करनी चाहिए, उसके बाद श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती को आपको इस्तेमाल करना चाहिए एज अ प्रॉपर प्लेइंग 11। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या आप सूर्य शर्मा को ले आओ, और क्योंकि चिन्नास्वामी में मैच है तो अगर आपको एक एक्स्ट्रा पेसर की जरूरत पड़ती है तो आप वैभव अरोड़ा या फिर चेतन साकरिया को भी खिला सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से पिछले मैच में मिचेल स्टार्क की डेथ बॉलिंग रही थी, शायद आपको उनसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस ना आए और आप उनको 2-4 मैचेस थोड़ा सा ईज आउट करने को दे सकते हो। और चेतन साकरिया ने जो केकेआर के प्रैक्टिस मैचेस थे उसमें डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग भी की थी, तो वो और हर्षित राणा भी एक आध ओवर डेथ में मेंटेन कर सकते हैं। और गौतम गंभीर के मेंटोरशिप के साथ मुझे बस एक ही इशू रहा है, जो पिछले साल एलएसजी की वीडियोस में भी मैंने बार बार उठाया था, कि वो स्क्वाड का जो कंस्ट्रक्शन है ऑक्शन के दौरान, ट्रेड विंडो के दौरान, वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मैदान पर जो उनके एग्जीक्यूशन हैं और जो उनके प्लान्स हैं, जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो अभी भी 2015 और 2016 के साल के आसपास की है। वो मॉडर्न क्रिकेट के साथ बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं हो रही है। जैसे पिछले साल हमने देखा कि दीपक हुड्डा को जरूरत से ज्यादा बैक करना, निकलस पूरन को जरूरत से ज्यादा नीचे खिलाना, मैचअप्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान न देना, और पिछले मैच में हमने देखा सुनील नारायण को एज एन ओपनर ट्राई करना। अब सुनील नारायण की जो बैटिंग है, मैं बार बार बोल चुका हूं, वो अब थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी है, हालांकि आरसीबी के सामने उनका बल्ला थोड़ा सा ज्यादा चलता भी है, सो यू नेवर नो कि वो एक आधा मैच में आपको परफॉर्म करके दे भी सकते हैं, बट ओवरऑल ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कि 14 के 14 मैचेस में आप इसको इस्तेमाल कर लो। वेंकटेश अय्यर से ओपन कराओ, अगर उनका बैट नहीं चलता तो मनीष पांडे की तरफ जाओ, श्रेयस अय्यर से भी ओपन कराने के बारे में आप सोच सकते हो, बिकॉज उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में बहुत ज्यादा ओपन किया हुआ है और वेस्ट इंडीज में 2022 की वर्ल्ड T20 से पहले भी उन्होंने ओपन किया था। सो उस तरीके से केकेआर को यहां पर देखना चाहिए, बट अदर देन दैट मुझे इस टीम में बहुत ज्यादा चेंजेस की गुंजाइश नहीं लग रही है। और उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग 11 अगर देखें तो यहां पर भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं। डुप्लेसी, विराट, पाटीदार, मैक्सवेल, ग्रीन, कार्तिक और अनुज रावत होंगे, उसके बाद मयंक डागर, अल्जारे जोसेफ, मोहम्मद सिराज और यश दयाल हमें इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप कौन शर्मा को खिलाना चाहते हो, आप विजय कुमार मैशाक, आकाशदीप, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आपको वहां पर मिल जाएंगे। बट एक चीज पिछले मैच में देख करके अच्छी लगी कि आप यहां पर आपने कैमरन ग्रीन को नंबर 3 पर भेजा और जब आपको बैटिंग की जरूरत पड़ी तो महिपाल लोमरोर की तरफ आप गए। हालांकि वन बॉलर शॉर्ट था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का पिछले मैच में, कोई और टीम होती पंजाब की जगह दे वुड हैव मेड देम पे फॉर इट, बट क्योंकि वो पंजाब थे तो उनसे आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाते हो, तो
कर्ण शर्मा, आकाशदीप, लोमरोर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड कंडीशन आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। बट एक बात कंफर्म है कि ग्रेन अल्जारी और ये जो दो लंबे कद के बॉलर हैं, ये केकेआर के बल्लेबाजों के सामने शॉर्ट पिच गेंदबाजी का बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं, बिकॉज श्रेयस अय्यर हो, वेंकटेश अय्यर हो, नारायण हो, नीतीश हो, इवन रसल हो, इनको शॉर्ट बॉल की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट चूंकि चिन्नास्वामी का जो मैदान है वो थोड़ा छोटा है, सो ये प्लॉय कितना काम करेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट हाँ, ये बात जरूर है कि शॉर्ट बॉल की जो स्ट्रेटजी है वो आरसीबी केकेआर के बल्लेबाजों के सामने जरूर यहां पर आजमाने वाली है। और दोनों ही टीमों के हेड टू हेड स्टैट्स देखें तो वो यहां पर बड़े मजेदार हैं, क्योंकि देखो अभी तक दोनों टीमों ने आपस में 32 मैचेस खेले हैं, जिसमें से कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 मैच जीते हैं और आरसीबी ने 14 मैचेस जीते हैं। तो केकेआर का पलड़ा यहां पर भारी जरूर है। पिछले सीजन में ईडन गार्डन्स का एक मैच मुझे याद पड़ता है जहां पर शार्दुल ठाकुर ने कमाल की केकेआर को वापसी कराई थी। क्या चिन्नास्वामी में दोनों टीमों ने आपस में खेला था मुझे ठीक से याद नहीं, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। और अब अगर फटाफट हमारे प्रेडिक्शन पर आ जाएं तो देखो मेरी पहली प्रेडिक्शन ये है, क्योंकि ये चिन्नास्वामी का मैदान है, दोनों ही टीमों के पास धुआंधार बल्लेबाज हैं, तो 180 से ज्यादा का स्कोर बल्लेबाजी करके मैं पहले बनते हुए देख रहा हूं, 180 या उससे ज्यादा तो बनने जरूर चाहिए। दूसरी प्रेडिक्शन मेरी यहां पर यह है कि ग्लेन मैक्सवेल और नीतीश राणा अपनी अपनी टीम के लिए बेस्ट बल्लेबाज होने वाले हैं। अब दोनों में कौन बेस्ट होगा ये हमें मैच के बाद पता चल जाएगा, बट केकेआर के लिए नीतीश राणा और ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी के लिए बेस्ट बैट्समैन यहां पर बन सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और विन प्रेडिक्शन में आई विल बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर था, बट आई एम गोइंग विद कोलकाता नाइट राइडर्स सिंपली बिकॉज उनकी टीम की जो क्वालिटी है ओवरऑल वो थोड़ी और आरसीबी से बेहतर मुझे दिखाई दे रही है। आरसीबी का जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो मुझे थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा है, और केकेआर के पास 3-4 ऐसे बल्लेबाज हैं हु कैन लिटरली मर्डर दिस काइंड ऑफ स्पिनर्स जो यहां पर है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आरसीबी काफी ज्यादा पेस बॉलर से गेंदबाजी करवाने वाली है, इवन मैक्सवेल की तरफ भी वो बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे, बिकॉज श्रेयस अय्यर हो गए, आंद्रे रसल हो गए, इवन नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, ये सब स्पिनर्स पर बहुत बल्ला खड़काने वाले हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आरसीबी पेसर्स के साथ ज्यादा जाने वाली है, और पेसर के खिलाफ चिन्नास्वामी में आप नाना करते 180-190 रन तो आराम से बना सकते हो, और पेसर भी उनके कोई ऐसे वर्ल्ड क्लास नहीं है जिनके खिलाफ आप स्कोर ही नहीं कर सकते कि भाई एक तरफ से बुमराह और एक तरफ से मलिंगा आ रहा है। तो ये थी आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होने वाले एक बहुत ही जबरदस्त मैच का बहुत ही जबरदस्त प्रीव्यू। अगर आपको मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की जो घंटी है वो जरूर बजा करके रखना, ताकि इस तरीके के कोई भी प्रीव्यू आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।